हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी कुकिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टोमेटो सूप बनाने का आसान तरीका। इसे बनाने के लिए एक पैन गैस पर गरम रखेंगे, 2 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे, 2 से 3 लहसुन, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, 1 तेज पत्ता। इसे स्पैचुला से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक रोस्ट होने देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। 1 छोटी चम्मच नमक, इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे। ढक्कन से ढक कर 10 मिनट तक पकने देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तेज पत्ते को बाहर निकाल देंगे। पूरी तरह ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें और इसे छन्नी से छान लें। आधा कप पानी डाल लें। एक छोटी चम्मच शुगर डालेंगे। वन 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, चम्मच से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। टमाटर का सूप बनकर तैयार है। इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।